महा कार्टून टीवी। मृत्यु के देवता। किसी गांव में एक बहुत मशहूर वैद्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैद्य की कोई संतान नहीं थी, लेकिन इस बात से वो कभी दुखी नहीं होता और हमेशा खुशी से सभी का इलाज करता रहता। उनकी दवाइयों से हर रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन वैद्य के घर में बच्चे का जन्म होता है, जिसे देखकर वैद्य और उसकी पत्नी के साथ पूरा गांव बहुत खुश होता है। हम इसका नाम लखन रखेंगे। ये बड़ा होकर मेरी ही तरह एक वैद्य बनेगा और गांव में सभी की सेवा करेगा। इसी तरह समय बीतता रहता है और देखते ही देखते लखन बड़ा हो जाता है तथा अपने पिताजी की तरह एक वैद्य बन जाता है। एक दिन लखन और उसके पिताजी घर में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी भागता हुआ घर के अंदर आता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आदमी की बात सुनकर वैद्य जी दवाइयों का थैला उठाते हैं और उसे अपने बेटे लखन के हाथ में देकर लखन को आदमी के साथ जाने के लिए बोलते हैं। जाओ बेटा, एक वैद्य की तरह तुम पहली बार किसी मरीज के पास जा रहे हो, इसलिए जल्दबाजी या घबराहट में कुछ नहीं करना। लखन अपने पिताजी की बात मानकर उस आदमी के साथ चला जाता है। मरीज के पास पहुंचकर जैसे ही लखन उसका इलाज करना शुरू करता है, तभी उसे आदमी के सर के पास यमराज खड़े हुए नजर आते हैं। यमराज को देखकर लखन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ इसे लेने नहीं आया, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है और उसी के जरिए तुम मुझे देख सकते हो। आज के बाद तुम जब भी किसी भी मरीज के पास जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ उनके पैरों या सिर के पास खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। सिर्फ पैर और सिर के पास ही क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक संकेत होगा। अगर मैं मरीज के पैरों के पास खड़ा रहूंगा तो उसका अर्थ होगा कि उस मरीज का जीवन समाप्त हो गया है, और अगर मैं मरीज के सिर के पास खड़ा रहूंगा तो मतलब होगा कि अभी उस मरीज का जीवन शेष है। यमराज की बात सुनकर लखन हैरान हो जाता है और मरीज का इलाज करके वापस घर की तरफ बढ़ने लगता है। यमराज ने तो मेरी सभी दिक्कत दूर कर दी, अगर वो खुद मेरे पास आएंगे तो इससे मेरा और गांव वालों में से किसी का भी समय बर्बाद नहीं होगा, तथा मैं जरूरतमंद का भली तरह इलाज भी कर सकता हूँ। ये सोचता हुआ लखन अपने घर पहुँच जाता है। इसके बाद जब भी वो किसी मरीज के पास जाता तो वहाँ यमराज की दिशा को देखने के बाद ही उसका इलाज करता। इस तरह समय बीतता रहता है और गांव में सभी लखन की भविष्यवाणियों से चकित रहते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कर कैसे लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता और खुशी खुशी सबका इलाज करता रहता है। एक दिन लखन किसी का इलाज करके वापस अपने घर जा रहा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस यमराज इसी तरह मेरे साथ रहें और मैं सभी का इलाज उनकी जरूरत के हिसाब से भली तरह करता रहूंगा। ये सोचता हुआ लखन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अपने पिताजी को ऐसे देखकर लखन बहुत ज्यादा डर जाता है और उनका इलाज करने लगता है। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, फिक्र न करें, मैं आपका इलाज करूंगा। ये सब बोलते हुए लखन जैसे ही अपने पिताजी को दवाई खिलाने वाला होता है, तभी उसे अपने पिताजी के पैरों के पास यमराज खड़े हुए दिखाई देते हैं। यमराज को वहाँ खड़ा देख लखन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। नहीं, मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये बोलते हुए लखन भागता हुआ घर में बने दवा खाने के अंदर जाता है,
तथा वहाँ से संजीवनी औषधि लेकर आता है और अपने पिताजी को खिला देता है। इसके बाद उसके पिताजी की तबीयत में सुधार आ जाता है। ये तुमने क्या किया लखन? अब इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद यमराज लखन के कंधे पर हाथ रखते हैं और लखन तुरंत प्राणहीन हो जाता है तथा उसके पिताजी एकदम ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चीज हमारा भला करती है वही चीज कभी ना कभी हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।